इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस दुनिया के 3.5% लैंड को एक्वायर करता है, जबकि इसमें दुनिया की 25% पॉपुलेशन रहती है। और कमाल की बात तो ये है कि इस 25% पॉपुलेशन में दुनिया के 60% दिल के मरीज हैं। ये तथ्य काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पे हम सभी ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही सेहतमंद लोग हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए हैं और हमसे अच्छी सेहत तो किसी की हो ही नहीं सकती। हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया है, योगा दिया है, यहाँ तक कि योगा दिवस भी दिया है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के 60% दिल के मरीज इस इलाके से आते हैं? इस बात पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। तो ये जो 60% दिल के मरीजों वाली बात है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इनमें इन सभी देशों के मिला के लोग आते हैं। लेकिन फिर भी 60% एक बहुत बड़ी फिगर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि 60% दिल के मरीज इंडिया से ही होते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही होते हैं। तो आपको बताते हैं कि कुछ समय पहले USA में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में, एक स्टडी हुई थी जिसका नाम था मसाला स्टडी, MASALA मसाला, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिएटर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन साउथ एशियंस लिविंग इन अमेरिका। खास तौर पे ये स्टडी इसलिए की गई क्योंकि अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर्स ने ये पाया कि जितने भी साउथ एशियंस लोग, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनमें दिल की बीमारियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने इस स्टडी को फंड किया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा क्या खास है साउथ एशियंस में जो इनको ये बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो इस स्टडी में काफ़ी सारे तथ्य निकल के सामने आए। इनमें से एक तथ्य यह था कि आमतौर पर हम 25 BMI को एक बॉर्डरलाइन BMI मानते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि आपकी हाइट और आपके वेट का जो रेशो होना चाहिए वो 25 से ऊपर अगर आपका BMI है तो आप ओवरवेट हैं, आपको अपना वजन कम करने की ज़रूरत है, वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 25 BMI ही एक लाइन मानी जाती है, लेकिन इस स्टडी में ये पाया गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों में 23 BMI इज़ द ऑप्टिमल लिमिट। 23 BMI से अगर आपका BMI ज़्यादा है तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत हैं। और इसमें एक ये 23 BMI और 25 BMI जिसके बीच की रेंज है, आपको जान के हैरानी होगी कि 1/3 ऑफ द अडल्ट्स फॉल इन दिस कैटेगरी, मतलब कि 1/3 अडल्ट पॉपुलेशन, मतलब कि वयस्क पॉपुलेशन, इसी कैटेगरी में आती है। और ये लोग अक्सर अपने आप को यह सोचते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि हमारा BMI 25 से नीचे है, जबकि इन लोगों को भी दिल की बीमारियों का खतरा बना रहता है। और अक्सर यह होता है कि ये लोग सालों इसी चक्कर में गुजार देते हैं कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, जबकि पहले से ही कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। इसी मसाला स्टडी में ये बात निकल के भी सामने आई कि 44% साउथ एशियंस जो नॉर्मल वेट के थे, उनमें भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ पाई गई, मतलब मेटाबॉलिक बीमारियाँ पाई गई, जैसे कि हाई ब्लड शुगर या हाई ट्राइग्लिसराइड, इस टाइप की बीमारियाँ 44% ऐसे लोगों में पाई गई जो नॉर्मल वेट कैटेगरी में थे, मतलब 25 BMI से नीचे थे, जबकि नॉर्मल अमेरिकन्स में, वाइट अमेरिकन्स में ये परसेंटेज कुल 21 थी, मतलब कि नॉर्मल वेइंग कैटेगरी के 21% अमेरिकन वाइट्स में दिल की बीमारियाँ पाई जाती हैं, जबकि साउथ एशियंस में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वालों में, ये परसेंटेज 44% है, जो काफ़ी अलार्मिंग बात है। इसके अलावा अगर एज फैक्टर की बात करें तो इसी मसाला स्टडी में ये बात निकल के भी सामने आई कि साउथ एशियंस अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों में दिल की बीमारियाँ बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले 10 साल जल्दी उभर आती हैं। इसलिए हम लोगों को अपने दिल की परवाह थोड़ा सा जल्दी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ना कि हम इस चीज़ का इंतजार करें कि अभी तो हम 50s में नहीं पहुँचे, अभी हमें क्या हुआ होगा। तो ये हमें 30s या 40s से ही अपने दिल की बीमारी के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर देना चाहिए, और हो सके तो 30s के बाद ही रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। मसाला स्टडी में, जैसे कि इसके नाम के फुलफॉर्म में ही एक टर्म आई थी, एथेरोस्क्लेरोसिस। इस एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम, हाई लेवल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम, मतलब कि आपकी आर्टरीज में, दिल की आर्टरीज में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना।
आमतौर पे आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर हार्ट अटैक होता है। लेकिन कैल्शियम का डिपोजिशन भी यही काम करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कैल्शियम वो चीज़ है जिससे आपकी हड्डियाँ बनती हैं, और ये बहुत ही सख्त मटेरियल होता है, और कई बार इसे पेनिट्रेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पर कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से आर्टरी बंद हो रही हो, तो वहाँ पर कई बार स्टंट डालने में भी दिक्कत आ जाती है। तो जो ये कैल्शियम डिपोजिट होने वाला काम है, ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों में बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी स्टडी में एक और बात निकल के सामने आई जो काफ़ी हैरान करने वाली थी। वो बात ये थी कि आमतौर पर हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, मतलब कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी जो एक्सेस कैलोरीज होती हैं वो फैट के तौर पे, फैट के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में अंदर जमा होती हैं। लेकिन नॉर्मली ये फैट हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है, ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन इस स्टडी में ये पाया गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों में स्किन के नीचे स्टोर ना होकर यह फैट लीवर और एब्डोमिनल रीजन में स्टोर हो रहा था, और इस तरह का फैट कहलाता है विसरल फैट। ये विसरल फैट अपने आप में हार्मोन्स जनरेट करने की ताकत रखता है, और ये हार्मोन्स हमारे बाकी हार्मोन साइकिल के साथ मिलके डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर घेर लेती हैं। हम लोगों की एक टेंडेंसी है, ये जेनेटिक टेंडेंसी आप कह सकते हैं, कि हमारे अंदर विसरल फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है बाकी दुनिया के मुकाबले, जिस वजह से हमें ज़्यादा हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो थी मसाला स्टडी की बात, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिनमें यही बातें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर है जिसे दोषी माना जाता है कि भाई जिसकी वजह से हार्ट डिजीज ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, उसे जेनेटिक फैक्टर ही माना जाता है। अब हम में से बहुत लोग सोचेंगे कि जीन्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि हम जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से विसरल फैट, मतलब वो वाला फैट जो हमारे लीवर या एब्डोमिनल रीजन में इकट्ठा होता है, ये ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम जेनेटिक डिजीज से भी अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही रखें, क्योंकि एक जीन और एक जीन एक्सप्रेशन, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जीन एक्सप्रेशन मतलब कि आपका वो जीन उभर के कब काम कर रहा है। कोई भी जीन उभर के तभी सामने आता है, अपनी वो टेंडेंसी तभी दिखाता है जब उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब कि जब आप अपने बॉडी को फैट स्टोर करने का मौका देंगे तभी वो विसरल फैट के रूप में इकट्ठा होगा। यदि आप उसे मौका ही ना दें तो ना तो वो सबक्यूटेनियस फैट में के रूप में जाएगा, ना ही विसरल फैट के रूप में जाएगा। तो आप अपने आप को इस चीज़ से बचा भी सकते हैं। तो आप टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर मान के इस चीज़ को यह नहीं कह सकते कि हम तो इसका शिकार बनेंगे ही बनेंगे। आप जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बावजूद भी अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। अगला फैक्टर है डायबिटीज़। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ के मरीज़ मिलते हैं, और इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग टाइम से अपने आप को चेक नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसे पता ही नहीं चलता है कि उसे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो चुकी है, और हम अपने आप को स्वस्थ समझते रहते हैं, और इस चक्कर में आपकी बढ़ी हुई डायबिटीज़ के कारण आपके हार्ट पे एक्सेस प्रेशर पड़ता है, और आप हार्ट डिजीज़ के भी शिकार कम उम्र में ही हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एक तो अपने BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स पे भी अपना कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब कि हाइट के रेशियो में आपका वेट भी सही रहे, और साथ ही समय समय पर अपनी ब्लड शुगर की भी जाँच कराते रहनी चाहिए। इस पॉइंट में मैं ये पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आप 25 BMI के चक्कर में ना रहें, 23 BMI से भी अगर आपका ज़्यादा है थोड़ा सा भी, तो आपको अपनी शुगर टाइम टाइम पे चेक करा लेनी चाहिए। अगला रीज़न आता है टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू। इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 मतलब 35% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में, और तंबाकू का सेवन दिल की बीमारियों को अपने आप न्योता देना है। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दिल की बीमारियां ज़्यादातर आदमियों को ही होती हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है क्योंकि ज़्यादातर तंबाकू का सेवन आदमी ही करते हैं। अगर स्मोकिंग के बारे में बात करी जाए तो 24% आदमी स्मोक करते हैं, जबकि कुल 3% औरतें स्मोक करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आदमियों को ही इससे दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा है, और इसीलिए आदमियों में ही ज़्यादा दिल की बीमारी पाई भी जाती है, एटलीस्ट इंडिया में। और तंबाकू खाने वाले तंबाकू की अगर बात करें तो लो एजुकेटेड कम्युनिटी में तंबाकू सेवन, चाहे वो खाने वाला हो चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उन्हीं लोगों में दिल की बीमारियाँ ही पाई जाती हैं जो अक्सर अनडिटेक्टेड रहती हैं। तो आपको अपने आप को तंबाकू से भी दूर रखना चाहिए अगर आप अपना दिल स्वस्थ रखना चाहते हैं। अगली चीज़ आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनटेक, मतलब कि आप फल कितने खाते हैं और आप सब्जियाँ कितनी खाते हैं। भारत की लगभग 40% आबादी प्योर वेजिटेरियन है, मतलब कि वे नॉन वेज तो खाते ही नहीं है, वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं,
और वेस्ट के देशों में, मतलब पाश्चात्य देशों में, अक्सर ये माना जाता है कि भाई वेजिटेरियन डाइट तो काफ़ी अच्छी डाइट है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसा क्या है कि हम वेजिटेबल्स ये खाने के बावजूद या वेजिटेरियन होने के बावजूद भी हम दिल के मरीज़ हैं? इसके पीछे कारण ये है, फ्रूट्स, उनकी महंगी कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा पोर्शन फल फ्रूट नहीं खा पाता है। भारत सरकार ने एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 करवाया था, जिसमें ये पता चला कि आधी से ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ ऐसी है जो पूरे हफ्ते में 1 या 0 बार ही फल का सेवन करती है। हमारे यहाँ सबसे प्रॉस्पेरस अगर स्टेट, अगर किसी स्टेट को माना जाता है, तो वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के भी 25% लोग ही कुल ऐसे हैं जो WHO के अनुसार जितना सेवन हमें करना चाहिए फल फ्रूट्स का उतना करते हैं, only 25%। अगली चीज़ आती है ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स। हम भारतीय खाने पीने के तो काफ़ी शौकीन होते ही हैं, लेकिन हम सब्जियों को भी इस कदर उबालते हैं कि आप उसे भूनना कह सकते हैं, कि आप किसी चीज़ को फ्राई तो कर ही रहे हैं, आप उसे भून भी रहे हैं, मतलब कि आप सब्जी के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपने उनको जला के पहले ही भस्म कर दिया है। ओवर कुकिंग उन न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बढ़िया हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ों से बचें। इस बात को ध्यान में रखें कि आपको सब्जियाँ खानी हैं, कोयला नहीं। सब्जियों में भी हम अक्सर नमक की मात्रा या बाकी मसालों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, और नमक और दूसरे मसालों की मात्रा ज़्यादा रखने से ये होता है कि आप जल्दी ही हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो एक तो सब्जियों को थोड़ा कम भुनें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट, और नमक और मसालों की क्वांटिटी थोड़ा कम रखनी चाहिए। अगली चीज़ है ऑयल एंड फैट। आप किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दूध, दही, पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों के लोग अक्सर शौकीन पाए जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में पाया जाने वाला फैट कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में पाया जाने वाला फैट हमेशा ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचाता है वेजिटेबल फैट, ख़ास तौर पर वो वेजिटेबल फैट जिसे आप रिफाइंड समझ के इस्तेमाल करते हैं। सस्ता घी तेल लेने के चक्कर में अक्सर लोग बाग ऐसे लो क्वालिटी हाइड्रोजनेटेड घी या तेल यूज़ करते हैं, खासतौर पर वेजिटेबल फैट यूज़ करते हैं, जो आपके दिल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। घी तेल खाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं। अगर आप अपने भोजन में से फैट को बिल्कुल हटा देंगे तो आप उन विटामिन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे खाने में से, जो सिर्फ घी या तेल में मिलकर ही आपकी बॉडी में जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि घी को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में खाना चाहिए जितना आपके शरीर के लिए सही है। एक व्यक्ति जो एक डेस्क जॉब कर रहा है, जिसे सारे दिन बैठे बैठे ही काम करना है, उसके खाने में अगर फैट की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो उसी को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को देखते हुए अपनी अपनी डाइट का फैट कंटेंट आपको रेगुलेट करना चाहिए। अगली चीज़ है कि पिछले कुछ दशकों में हमारा लाइफस्टाइल डिग्रेड हुआ है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात बता दी, ये तो सभी लोग कहते हैं कि भैया पुराने टाइम के लोग अच्छा खाते पीते थे, अब नहीं खाते पीते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग बात है, आपको बताते हैं कैसे। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इसने 1972 से 2000 के डेटा को कंपेयर किया, और इसमें ये पाया कि हम लोगों का जो फैट इनटेक है, मतलब कि हम कितना फैट खाते हैं, रूरल पॉपुलेशन में, मतलब ग्रामीण पॉपुलेशन में, वो फैट इनटेक 24 ग्राम पर डे से बढ़ के 36 ग्राम पर डे हो चुका है। मतलब लगभग इसमें आप कह सकते हैं कि सीधा 50% का इजाफा हुआ है। वहीं अर्बन पॉपुलेशन में, मतलब शहरी पॉपुलेशन में, ये बढ़ के हो गया 36 ग्राम पर डे से 50 ग्राम पर डे। मतलब कि शहर के लोग गांव वालों से पहले भी ज़्यादा घी खाते थे, लेकिन अब वो और ज़्यादा खा रहे हैं। जो लोग इकोनॉमिकली थोड़ा लोअर कैटेगरी के हैं, उनमें ज़्यादा कंजम्पशन होता है पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का। ये वो वेजिटेबल ऑयल है जो आप, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन इसके एक सस्ते रेट के कारण जो गरीब तबका है हमारे देश का, वो यही घी तेल इस्तेमाल करता है और अपने आप को बीमार करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब लोग इस घी तेल को खा रहे हैं, बहुत अमीर लोग भी इस घी तेल को खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप
स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं तो आपको नहीं पता है कि वहाँ वो कौन सा घी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अक्सर अपने पैसे बचाने के लिए ऐसी जगहों पर भी आपको पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का ही सेवन करना पड़ता है। और इसी घी तेल में वो आपको डीप फ्राई करके फास्ट फूड खिलाते हैं। डीप फ्राई वैसे ही अपने आप में नुकसानदायक है, और जब डीप फ्राई ऐसे घी तेल में होता है तो वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। इसकी वजह से सिर्फ लोअर क्लास की हेल्थ ही नहीं बिगड़ रही है, मिडिल और अपर क्लास की हेल्थ भी बिगड़ रही है। तो बाहर का खाना खाने से भी बचें और ऐसे घटिया क्वालिटी के घी तेल से भी बचें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब ICMR और इंडिया डायबिटीज़ मतलब INDIAB, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक 2014 में एक रिसर्च करी जिसमें ये सामने आया कि 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसमें से 54% इनएक्टिव कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि उनका एक्टिविटी लेवल वो नहीं है जितना होना चाहिए। 54% मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अडल्ट लोग ऐसे हैं, 54% से ज़्यादा अडल्ट लोग ऐसे हैं जिनका एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम है, और कुल 10% लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा एक्टिविटी लेवल तो कम हो चुका है, और ये एक्टिविटी लेवल सिर्फ शहरों में ही नहीं हर जगह कम हुआ है, और हमारा फैट इंटेक बढ़ चुका है। तो एक तरफ तो हमारा एक्टिविटी लेवल घट गया है और दूसरी तरफ हमारा फैट इंटेक बढ़ गया है पिछले कुछ दशकों में। पिछले कुछ दशकों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है हमारा काम कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रामीण इलाके में ही ले लीजिए, पहले जो लोग हल चलाया करते थे अब वो काम हल के बजाय ट्रैक्टर से हो रहा है, तो उनका फिजिकल वर्क कम हो गया है, सिर्फ गाँव में नहीं शहरों में भी कम हो गया है। शहरों में भी डेस्क जॉब बहुत बढ़ चुके हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है और फैट इंटेक ज़्यादा है जो अगेन आपके हार्ट के लिए हानिकारक है। अगली चीज़ आती है होल ग्रेन इंटेक। होल ग्रेन मतलब कि वो अनाज जो उसकी प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कि काले चने, गेहूँ, ये हैं होल ग्रेन। और इनके बजाय अब लोग बाग रिफाइंड ग्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं जिनका छिलक उतार दिया जाता है ऊपर से और सिर्फ अंदर की परत आप खाते हैं ग्रेन की। इससे बहुत सारी दालें भी आती हैं। तो पुराने समय के मुकाबले पिछले कुछ दशकों में रिफाइंड ग्रेन का यूज़ ज़्यादा बढ़ा है बजाय होल ग्रेन के। होल ग्रेन आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है जबकि रिफाइंड ग्रेन आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जितना हो सके होल ग्रेन की तरफ वापस जाने का अगर आप कष्ट करेंगे तो आप अपने दिल की हेल्थ को सुधार पाएंगे। पिछले 2 सालों में COVID-19 से जो लोग रिकवर हुए हैं उन लोगों में भी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं जो कुछ टाइम पहले ही COVID-19 से उभरे थे। इसके पीछे कुछ COVID-19 के अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और साथ में उस टाइम पे दी गई दवाइयाँ भी उसकी वजह हो सकती हैं, क्योंकि COVID-19 से मरीजों को बचाने के लिए स्टीरॉयड्स की बड़ी हैवी डोजेस दी गई थी जो अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाती हैं कई बार। इसके बारे में आप डिटेल में ही पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप थोड़ा फिटनेस एंथुजियास्ट हैं मतलब जिम वगैरह जाते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आपको एक बात और बताएं कि जिम में जाने वाले कुछ लोग प्रोटीन पाउडर्स भी यूज़ करते हैं और कुछ प्रोटीन पाउडर्स में स्टीरॉयड्स मिले होते हैं, खासतौर पर कुछ सस्ते प्रोटीन पाउडर्स जो लगातार सेवन करने से आपके दिल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और इसी वजह से काफ़ी दिनों से आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि जिम में लोगों की एक्सरसाइज करते हुए मृत्यु हो रही है, तो ये भी उसके पीछे एक कारण हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हमने अपने एक आर्टिकल में कवर किया है, अगर उसका आप डिटेल में देखना चाहें तो वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा और उस आर्टिकल का लिंक भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब आते हैं हम इस वीडियो के अंत में जहाँ हम आपको बस ये बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को इन दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। आप भले ही एक ऐसे इलाके में रह रहे हों या ऐसे इलाके से बिलोंग करते हों जहाँ पर दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से कुछ स्टेप्स उठाने होंगे और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना होगा। तो वो स्टेप्स हैं, सबसे पहला तो ये है कि आप अपना BMI समय समय पर चेक करते रहें। BMI चेक करने में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी हाइट और अपने बॉडी वेट को चेक करना है, और इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे जहाँ पे आप इन दो चीज़ों को फिल करके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आपका BMI 23 से ऊपर है तो आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। आप इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि 25 तक BMI सही है, 25 तक BMI सही नहीं है। अगर आप 23 से ऊपर हैं तो आपको अपना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। हम में से एक तिहाई अडल्ट लोग इसी
भ्रम में जीते हैं कि 25 इज़ द मार्क, और हम कभी अपना बी ना तो ब्लड शुगर चेक कराते हैं ना ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। तो इसलिए अगर आपका 23 से ऊपर बीएमआई आ रहा है तो आपको वेट भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है और समय समय पर अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी चेक करवाने की ज़रूरत है। अगली चीज़ है एनुअल हेल्थ चेकअप। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर है तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कम से कम एक साल में एक बार। अगर आप सब कुछ नहीं भी करा सकते हैं तो आपको एटलीस्ट अपनी लिपिड प्रोफाइल वगैरह तो करा ही लेनी चाहिए, जिसमें आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह और ब्लड शुगर वगैरह आपका जांच कर ली जाए। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों को फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं तो आप लोग अपने खाने के साथ में सलाद का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सलाद भी वही काम करेगा जो फ्रूट्स करते हैं, क्योंकि उसमें आपको रॉ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, खासतौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कुकिंग वाले प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं। तो सलाद भी खाइए, और वेजिटेबल्स में ये ध्यान रखिए कि जो वो ओवर फ्राइड ना हो, जितना आप बॉयल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे उतना आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, खासतौर पर आपके दिल की सेहत के लिए। अगला पॉइंट है कि आप अच्छी क्वालिटी का फैट खाएँ, फैट कम खाएँ लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाएँ। आप जितना हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बचेंगे उतना आप अपने आप को ट्रांसफैट से बचाएंगे और अपने दिल की सेहत को सही रख पाएंगे। आप बाहर के खाने से खुद को बचा के भी अपने आप को इस बैड क्वालिटी वाले फैट से बचा सकते हैं। अगली चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। हम पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में कुल 10% एडल्ट ऐसे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बाकी 90% मतलब 90% लोग एक्सरसाइज को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप किसी भी टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि जिम हो गया या योगा हो गया या एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गई, जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, डांसिंग है, आपको जो भी फॉर्म सूटेबल लगे, जो आपको पसंद हो आप वो करें, लेकिन करें ज़रूर। बाकी आपकी हेल्थ और आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि आप इन वर्कआउट वाली फॉर्म्स में से कौन सी प्रेफर करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आप अपनी एंसेस्ट्री को भी देखें, मतलब कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, खासतौर पर जो ब्लड रिलेशंस में है, कि उनमें किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ तो नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या और कोई दिल की बीमारी, क्योंकि अगर उनमें से किसी को है तो मतलब ये कि आपको अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ ये बीमारी हो सकता है कि आपके जीन्स की वजह से आपको मिल रही हो। तो आप अपने इस जीन्स वाले इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छा खाना खाएं और अपना वेट कंट्रोल में रखें। मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई शक हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाके आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और अपना शक दूर कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, जिससे कि उनका ज्ञानवर्धन हो सके और वो भी अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें। धन्यवाद।